हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा इंस्टीट्यूट, इट्स मी पुरुषोत्तम कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल से आपके लिए यूज़फुल वीडियो यहां से मिलते रहते हैं। तो अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। ऐसे ही तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को बिना स्किप किए वॉच करना है। आपको यहाँ से बहुत ही यूज़फुल कंटेंट मिलेगा, आपको अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो अग्रवाल अनसॉल्व यहाँ पर आपको सॉल्व करवाया जा रहा है, सेट नंबर A1 सेक्शन ए। तो इसमें आपको सारे सेक्शन आपको मिल जाएंगे, सेक्शन वाइज आपको विद हिंदी यहाँ पर आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा बिल्कुल फ्री। PDF के लिए आपको टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लेना है, वहाँ से आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो आज का हमारा जो सेशन है, सबसे पहले रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबसे पहले इस पैसेज को अच्छी भली भांति पढ़ना है, फिर उसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। यू आर लिविंग इन एन एज ब्लंडरिंग एंड बिटर। तो ये आपके पैसेज था, तो पैसेज हमने पूरा राइट नहीं किया। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, व्हाट अपॉर्चुनिटी आर बीइंग गिवन टू द वीमेन इन आवर कंट्री इन द प्रेजेंट टाइम। वर्तमान समय में हमारे देश में महिलाओं के लिए किस प्रकार के अवसर उपलब्ध हैं या दिए जा रहे हैं, कैसे कैसे अवसर दिए जा रहे हैं, उनके बारे में बताना है आपको। आंसर, इन द प्रेजेंट टाइम देयर आर अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन इन सोशल वर्क, पब्लिक लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब वर्तमान समय में महिलाओं के लिए बहुत सारे कामों के लिए अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर हैं, जैसे कि अगर कहें सामाजिक कार्य हो, या जनता के लिए कोई कार्य करना हो, पब्लिक लाइफ हो, या फिर प्रशासनिक कार्य हो, तो सभी में महिलाओं के लिए अवसर प्राप्त हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड नंबर, व्हाट इज मीन ऑफ द फ्रेज ब्लाइंड ब्लंडरिंग एंड बिटर। मतलब ब्लाइंड ब्लंडरिंग का मीनिंग्स आपको इसमें बताना है। वी आर लैकिंग इन डेप्थ, वी मे बिकम लर्नड एंड स्किल, बट इफ वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पस इन आवर लाइफ, आवर लाइफ themselves become blind, blundering and bitter। मतलब कहा जा रहा है, हम अधिक से अधिक गहराई में तो जाते जा रहे हैं, डीपली सोच रहे हैं, समझ रहे हैं सारी चीज़ें हैं, और हम अपनी स्किल्स को भी डेवलप कर ले रहे हैं, सीख ले रहे हैं, हर एक चीज़ को सीख ले रहे हैं, लेकिन अगर उसका कोई पर्पस मतलब उसका कोई उद्देश्य नहीं है हमारे जीवन में, उसका उपयोग नहीं है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास होते हुए भी वो सब बेकार हैं। जैसे कि कह सकते हैं ब्लाइंड एंड ब्लंडरिंग, मतलब सच है, कड़वा भी है और है हमारे पास, लेकिन उसका कोई उपयोग भी नहीं है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन डज द राइटर रिकमेंडेड फॉर अस इन दिस एसे। तो इस एसे में राइटर जो है, लेखक, किस प्रकार की शिक्षा की बात कर रहा है, किस प्रकार की शिक्षा हमारे लिए उपयोगी है, उसके बारे में बता रहा है। द ऑथर रिकमेंडेड एन एजुकेशन विद अ डेफिनेट पर्पस, बिकॉज एजुकेशन विदाउट पर्पस लीड टूअर्ड मिस्टेक एंड डीड रिजल्टिंग इन ग्रीफ। कहा जाता है कि अगर हम बिना किसी उद्देश्य के शिक्षा ग्रहण करते हैं और एक निश्चित शिक्षा की तरफ उसका वो अथर रिकमेंडेड एंड एजुकेशन विद अ डेफिनेट पर्पस, मतलब एक निश्चित उद्देश्य के लिए हमारे शिक्षा के पर्पस को बता रहा है। बिकॉज क्योंकि एजुकेशन विदाउट पर्पस लीड्स टुअर्ड्स मिस्टेक, क्योंकि अगर हम बिना किसी उद्देश्य के शिक्षा अगर ग्रहण करते हैं तो उसका कोई उद्देश्य नहीं है, वो हमारी गलती है, और उसका रिजल्ट जो होता है वो भी दुख होता है, दुख से भरा हुआ होगा, परिणाम भी दुख ही होता है। व्हाट काइंड ऑफ वुमेन डज द सोसाइटी नीड, किस प्रकार की महिला मतलब किस प्रकार की महिला हमारे सोसाइटी को ज़रूरत है, हमारे समाज को ज़रूरत है, किस प्रकार के हमारे समाज को महिलाओं की ज़रूरत है। व्हाट क्वालिटीज शुड द वीमेन हैव अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट नीड ऑफ द सोसाइटी। अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो किस प्रकार की क्वालिटी होनी चाहिए महिलाओं में, जो हमारे समाज के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सोसाइटी नीड डिसिप्लिन वुमेन ऑफ कंट्रोल बिहेवियर।
सोसाइटी को किस प्रकार की महिला चाहिए, तो सोसाइटी को ज़रूरत है कि एक डिसिप्लिन मतलब अनुशासन पूर्ण महिला हो जो कंट्रोल भी हो, मतलब अपने व्यवहार जो व्यवहारिक व्यवहारिकता होती है, या कह सकते हैं कि हमारे जो समाज में रहने वाले लोग हैं उनसे अपना व्यवहारिक जीवन यापन करें और डिसिप्लिन में रहे, अनुशासित रहे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वर्ड सेम इन मीनिंग इन द गिवन पैसेज लिमिटेड प्रोवाइडेड, तो यहाँ पर फर्स्ट का हो जाएगा लैकिंग एंड वाइड स्प्रेड। अगला है, व्हाट इज़ द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग द गिवन पैसेज अनवर्दी, तो अनवर्दी का अपोजिट मीनिंग वर्दी होता है। व्हाट इज़ द सब्जेक्ट अबाउट विच द राइटर इज स्पीकिंग टू, क्या सब्जेक्ट होना चाहिए जिसके बारे में लेखक बात कर रहा है। द राइटर इज टॉकिंग अबाउट वुमेन एजुकेशन इन दिस पैसेज, तो पैसेज इन दिस इस पैसेज में लेखक जो है वो महिलाओं की शिक्षा के बारे में बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा जो है और करके दिया गया है एक पैराग्राफ और, हिंदू सिविलाइजेशन विल बी बिलीव ओपन टू ऑल बाय ऑल, तो यह भी हमारा एक पैसेज है, इसके क्वेश्चन है, चलिए वो भी देख लेते हैं। हाउ विल हिंदू सिविलाइजेशन रिटेन इट कंटिन्यूटी डिस्पाइट बीइंग मैनी चेंज, अनेक परिवर्तन होते हुए भी हिंदू सभ्यता अपनी निरंतरता कैसे बनाए रखेगी, इसके बारे में आपको बताना है। हिंदू सिविलाइजेशन विल रिटेन इट्स कंटिन्यूटी इन द फॉलोइंग वे, द भगवद गीता एंड उपनिषद वुड इंस्पायर द मैन ऑफ एक्शन एंड थॉट, पीपल विल लव द टेल्स ऑफ द हीरोज ऑफ द महाभारत एंड द रामायण, वेस्टर्न लाइफ ऑफ हरी एंड वरी विल नॉट टच अस, क्वाइट एंड जेंटल हैप्पीनेस द चार्म एंड ग्लोरी ऑफ इंडियन वे और लाइफ विल कंटिन्यू, हिंदू सभ्यता निम्न प्रकार से अपनी निरंतरता बनाए रखेगी, भगवद गीता और उपनिषद मनुष्य को कर्म और विचार के लिए प्रेरित करते हैं, लोग महाभारत और रामायण के नायकों की कहानियों को पसंद करेंगे, जल्दबाजी और चिंता का पश्चिमी जीवन में हमें स्पर्श नहीं करेगा, शांत और सौम्य सुख भारतीय जीवन शैली का आकर्षक और वैभव बना रहेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज मीन ऑफ एक्सप्रेशन लेबर सेविंग डिवाइस ऑफ द वेस्ट, अ मशीन गैजेट्स एक्सेट्रा दैट रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट हार्ड वर्क और लेबर सेविंग डिवाइस सच एज वॉशिंग मशीन, मतलब जो हमारे काम को शीघ्रता और मनुष्य का द्वारा जो लगाया गया बल होता है, समय होता है, उसमें जो कमी लाए वो मशीन है, क्योंकि मशीन वो हर एक चीज़ है जो हमारे काम को आसानी से कर दे, जैसे कि वॉशिंग मशीन, कपड़े धुलने की मशीन, लाइक दैट। अगला है क्वेश्चन, व्हाट आर द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन दैट कैन चेक द पीपल डिवोटिंग फ्रॉम द पैथ ऑफ साइलेंस, इसका आंसर होगा द भगवद गीता विल नॉट कैश टू इंस्पायर मैन ऑफ एक्शन एंड द उपनिषद मैन ऑफ थॉट, भगवद गीता कर्म के पुरुषों और उपनिषद विचार के पुरुषों को प्रेरित करने के लिए बंद नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, विच यूजलेस कस्टम इन एसेंट इंडियन कल्चर हैव बीन डिस्कार्ड, प्राचीन भारतीय संस्कृति में कौन से बेकार रिवाजों को त्याग दिया गया है, डाउरी एक्ट, सती, चाइल्ड मैरिज एक्सेट्रा, विच वर द यूजलेस कस्टम इन एसेंट इंडिया हैव बीन डिस्कार्ड नाउ, दहेज अधिनियम, सती, बाल विवाह आदि जो प्राचीन भारत में बेकार रिवाज थे अब त्याग दिए गए हैं। फाइव नंबर है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन मेंटेन, तो यहाँ पर सेविंग हो जाएगा आपका राइट आंसर। गिव द वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, वन हुज हस्बैंड इज डेड, उसको क्या कहते हैं जिसका हस्बैंड की डेथ हो गई हो, विडो कहेंगे। सेवन नंबर है, विच वर्ड इज इन द पैसेज अपोजिट ऑफ फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट का वेनिस हो जाएगा अपोजिट।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।